नेटबीन्स में विंडोज में आपको मिलेगा सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे तमाम सर्विसेज आपको मिलेंगे, जिसमें से आपको जाना है इस सर्वर पे, ठीक है। एट प्रेजेंट ग्लासफिश जो कि इनबिल्ट आपको प्रोवाइड करता है, और टॉमकैट जो हमने पहले से कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है, ठीक है ना। अब करना कुछ है कि हमने इसको रिमूव कर दिया, मान लो ये आपके पास था ही नहीं, है ना, मान लिया जाए कि ये आपका सर्वर यहाँ पे था ही नहीं। अब आप इस सर्वर को यहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। कैसे करेंगे, जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस सर्वर एंड क्लिक ऐड सर्वर। जब आप क्लिक करेंगे ऐड सर्वर तो आपसे ये पूछेगा कि आप किस सर्वर को आप यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे टॉमकैट 6.0 को चूज किया, बिकॉज हमारे पास जो फाइल है वो 6.0 का है, ये इसमें तो पहले से है, 6.9 में भी लिस्ट पहले से, मतलब दोज सर्वर्स विच आर सपोर्टेड ओवर, ठीक है ना। 6.0 करके आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तुरंत इट विल वांट दैट पर्टिकुलर लोकेशन जहां पे एटलीस्ट आपका कैटलिना होम है। कैटलिना होम मतलब वो बिन फोल्डर हो, बिन के अंदर कैटलिना डॉट बैट, ठीक है ना, इट इज रिक्वायरिंग दैट बैट फाइल, ठीक है ना। तो हम ब्राउज करेंगे और वो पाथ बता देंगे जिस पाथ में आपका वो बिन फाइल पड़ा हुआ है। जैसे आप डी ड्राइव पे पहुंचे, डी ड्राइव के अंदर यू हैव दिस अपैचे टॉमकैट, इसी को हम लोग एक्सट्रैक्ट किए थे, इसी के नीचे बिन है, तो हम इस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, बिन को नहीं, बिन जिसके अंदर है उसे, उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। करके आपने कर दिया ओपन, इफ एवरीथिंग इज ओके तो ये तुरंत बोलेगा कि अपना यूजर नेम पासवर्ड दो, और अगर सब कुछ सही नहीं है तो यहीं पे एरर मार देगा कि कैटलिना बैट होम डायरेक्टरी नहीं है, उसमें वो बैट फाइल नहीं है, मिसिंग है, वगैरह वगैरह एरर मार देगा, ठीक है ना। अब क्योंकि हम लोग इसको पहले से कॉन्फ़िगर करके रखे थे तो हमें वही यूजर नेम और पासवर्ड देना है जो हम इससे पहले दिए थे, कोई टेंशन नहीं। आप इसको निकल के बाहर देखिए कि मेरा यूजर नेम पासवर्ड था क्या, डी ड्राइव में जाए, बिकॉज काम करने के लिए यू हैव टू हैव अ मैनेजर, जिसको कहते हैं सर्वर का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर, ठीक है। तो मैनेजर का यूजर नेम पासवर्ड जानने के लिए आप चलिए पहुंचिए कॉन्फ़िगरेशन में, और फिर अपने इस टॉमकैट यूजर्स की एग्जामिन फाइल को ओपन करें। पहले इसमें कुछ नहीं होता, अगर ये फर्स्ट टाइम आप लोड कर रहे हैं तो इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम लोग इसको पहले से कॉन्फ़िगर करके रखे थे तो इसमें यूजर नेम पासवर्ड पड़ा होगा, तो जनरली हमें यहाँ पे आना नहीं पड़ता, वहीं पे यूजर नेम पासवर्ड दे देते, वो ऑटोमेटिक एम्बेड हो जाता, वो डाल देता उसके अंदर। ओपन विथ देखिए इसमें कुछ यूजर्स बनाए गए हैं, हम भी बनाएंगे बाद में भी, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है वो है वो यूजर जो कि एक तो मैनेजर हो और एडमिन हो। एक ही ऐसा यूजर होगा जो एडमिनिस्ट्रेटर भी है मैनेजर भी, और ये मैनेजर वहां से बनता है, ये है आपका यूजर नेम सौरव और पासवर्ड घोष, यहाँ पे बना हुआ, ठीक है ना। मतलब अगर हम यहाँ पे फिर से वहाँ नेटबीन्स में चले, सर्वर पे राइट क्लिक करें, ऐड सर्वर पे क्लिक करें, टॉमकैट सिलेक्ट करें, नेक्स्ट करें, ब्राउज करें, डी ड्राइव के अंदर अपैचे टॉमकैट बिन वाला टॉमकैट सिलेक्ट कर दिए, यूजर नेम आपने दे दिया सौरव, पासवर्ड आपका सौरव सौरव, पासवर्ड आपने दे दिया घोष। अगर ये वहां पर ना बना होता, मतलब आपके सिस्टम पे नहीं बना है, तो ये ऑटोमेटिक इसको चेक करने से वो बन जाएगा, अगर वो नहीं है तो ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट दैट पासवर्ड। Now you have this Tomcat, लेकिन अभी वो रन नहीं कर रहा। रन कराने के लिए आपको राइट क्लिक करके बस स्टार्ट करना होगा। इसके बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस पोर्ट पे रन होगा, कैसे रन होगा, तो आप सिंपली जाइए प्रॉपर्टीज में और क्लिक करेंगे तो उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा, मतलब जो भी आपने क्रिएट किया है उसका बेस फोल्डर कौन है, होम कहाँ है, फिर उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड क्या है, कौन सा सर्वर का पोर्ट है और कौन सा शटडाउन पोर्ट है, मतलब कब ऑन होगा और ऑफ होगा किस पोर्ट पे, 8080 एंड 8001।
ये इनबिल्ट है, आप इसको बदल नहीं सकते। अगर ये पोर्ट पे कोई और काम चल रहा है तो यू कैन क्लोज डाउन दिस सर्विस। हमारा तो हो गया काम। अब मेन मुद्दा आता है कि आप अब एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करें। क्या क्रिएट करेंगे? वेब एप्लीकेशन। तो पहले तो आप एक नए प्रोजेक्ट पे जाएंगे और एक वेब एप्लीकेशन क्या करोगे आप? क्रिएट करोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले करते ये हैं।